वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सात की ईद सेवन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे हर दिल अजीज़ जो गेस्ट हैं, जो आपके बहुत फेवरेट हैं, हमने यही एक्चुअली ख्वाहिश की थी कि हम इन तमाम लोगों को, इन तमाम सेलिब्रिटीज़ को ला के यहाँ पर बिठाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे, इनकी दिल की बातें सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त शीन, रफाकत अली ख़ान और ऑफकोर्स नूर तो हैं ही हैं। तो आप एक ऐसी सेलिब्रिटी को नीलम बुला लिया जाए, एक और जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। अच्छा, मैं वो हम सबके बहुत फेवरेट हैं, वो लड़कियों के बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, लड़कियों के क्यों फेवरेट हैं, जरा बताएंगे? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द मेकअप। लड़कियां मेकअप के बगैर कहाँ रह सकती हैं। मुझे खुद मेकअप की इतनी आदत हो गई कि मैं कहती हूँ कि परमानेंट मेकअप का कोई मसला निकल आए तो इजी हो जाए। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान की ऐसी बेतहाशा फिल्में जिनमें आप इन तमाम लीडिंग एक्ट्रेसेस को, इंक्लूडिंग साइमा जी, रीमा, मीरा, रेशम और नूर और बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग एनी नेम्स, इनको हसीन पर्दे पे दिखाना, ये कमाल इनके हाथों में है। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक गार्डियन के तौर के ऊपर आपको एडवाइस करते हैं। और यकीन मानिए कि जिस नई मॉडल के ऊपर इनका हाथ लग जाता है तो उसको चार चांद लग जाते हैं। आप लोगों भरपूर तालियों में बबलू। मुबारक बबलू, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक बबलू। थैंक यू सो मच बबलू। हम हिंदू हैं, आपने हमसे ईद नहीं हमने मतलब चेंज कर लिया। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, प्रॉपर ईद की तैयारी लग रही है। बबलू के कपड़े देखे, प्रॉपर ईद की तैयारी हुई है। नूर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ईद पे देखे ना, तैयारी तो तैयारी बिल्कुल। और बबलू का बड़ा कम रेयर ईदों पे देखते हैं। मैं कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मैंने शलवार कमीज कभी पहनी नहीं, लेकिन जाहिर है ईद है और ईद के मौके पर जब तक आप शलवार कमीज ना पहने लोग समझते हैं आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रही। ये तो है, ये तो अभी मजबूरी में मैंने पहनी, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। जी, मेरा मेकअप कोशिश की है, मोस्टली मेरा मेकअप बबलू ही करते हैं मुझे। इनफैक्ट जब से मुझे याद है, मेरी पहली फिल्म मुझे चांची से लेकर, मैंने हमेशा बबलू से मेकअप कराया। वो मेरी मजबूरी होती है अगर मुझे किसी और से मेकअप कराना पड़े, जैसे मैं अगर आउट ऑफ द सिटी हूँ तो फिर मुझे कराना पड़ता है। बबलू का ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा है, इट्स वेरी अमेजिंग। मेरी कोशिश होती है। स्मोकी आईज इतनी अच्छी बनाते हैं, छोटी छोटी आंखों का आप इतना बड़ा बना के दिखा देते हैं, बड़ी बात क्या जानी आप। मेरी खुद की आंखें बहुत छोटी हैं और बबलू ने मेरा बड़ा मेकअप किया हुआ है। जब मैं एक शो होस्ट करती थी तब तो मेरा तो बड़ा साथ रहा है, लेकिन फिर स्टेशंस डिफरेंट थे तो बीच में गैप आ गया, तो छोटी आंखें वो मेरी हैं। लेकिन अभी हम रिसेंटली एक शूट भी प्लान कर रहे थे, नीलम इज सो बिजी, लेकिन टाइम निकालेंगे हम शूट रिसीव के बाद। मैं चैनल 7 को आज पहली दफा आया उनके चैनल पे, बहुत मुबारकबाद दूंगा। हम भी पहली दफा, इनकी पहली ईद है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। नहीं, नाम मैंने सुना हुआ है साइंस से भी और बहुत ही अच्छा शो जा रहा है। अभी बैक स्टेज पे मैं देख रहा था, बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज और बहुत कम होता है कि एनर्जेटिक शोज। बड़ा अच्छा उसको देखने में बड़ा इजी लगता है ना, इतने बड़े बड़े स्टार्स बैठे होते हैं तो जो दो लोग होस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ा बोझ होता है। साइम हो और नीलम हो तो वो तो फिर जाहिर है, और नूर है जाहिर है गेस्ट, तो वो तो अच्छा जा रहा है। और बबलू ने उसमें आके रंग डाल दिया, शीन, रफाकत। लेकिन मेरे ख्याल में होस्ट पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा। अगर होस्ट की एनर्जी ना हो तो फिर आर्टिस्ट के आप क्योंकि बात ही नहीं कर सकते ना, तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। एंड आई थिंक लाहौर में जो बहुत कम है ऐसे शोज जो प्रॉपर प्लान है, और इट्स वन ऑफ देम जो अभी जो प्रॉपर प्लान शो लग रहा है। बहुत 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 शुक्रिया जी। बबलू, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, आपने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मेकअप के बाद आपने बिल्कुल ही उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो जो ग्लैमर एलिमेंट था वो खासा नजर आता था उनके चेहरे पे। क्या ऐसी बात है जो बबलू मेकअप की मुनफरिद है बाकी उन तमाम मेकअप आर्टिस्टों से? अच्छा, वो मुनफरिद ये है कि अभी जितने भी लोग इधर बैठे हैं, शीन है, शीन के भी स्टार्ट में मैंने बहुत मेकअप्स किए हैं, अभी रिसेंटली किए, रिसेंटली भी किए। एग्जैक्टली, तो होता ये है कि साइम जो मेकअप है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जब आप एक एक्टर को स्टाइलाइज करते हैं और स्टाइल देते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप जैसे अब जो पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट अलहदा हैं, पहले तो मेकअप आर्टिस्ट ही बाल बना रहा होता था और मेकअप कर रहा होता था, सो इट्स टोटली डिफरेंट। और कैरेक्टर जो है वो मैं सुनता था कि किस आर्टिस्ट का, जैसे नूर का जब हम स्टार्ट में मुझे चांद चाहिए के लिए प्लान कर रहे थे शान के साथ कि इनकी एंट्री जो है, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट एक्टर प्लस अ डांसर,
तो उसमें डांस एलिमेंट इतना नहीं था, तो मुझे याद है कि एक दिन पहले हमने प्रॉपर मीटिंग की थी कि एक स्विमिंग पूल में हमने प्लान किया था रात के टाइम, और मेरा ख्याल है हम शाम को 4-5 बजे तैयार होना शुरू हो गए थे, और नूर के बाल इतने लंबे थे कि उसमें माशाल्लाह कोई 3-4 घंटे लगे थे, हर एक जो कर्ल बनाए थे बालों में उसमें हमने फ्लावर्स ऐड किए, और फिर उसके बाद जब वापस गए तो डायरेक्ट स्विमिंग पूल में नूर मुझे पहले बता देती तो बाल गीले करके आ जाते। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टाइलिंग है ना वो मेरे काम को डिफरेंट करती है। अगर मैं कैरेक्टर, लोग कैरेक्टर सुनते हैं और मेकअप शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे सीन क्या है, अगर रोने का सीन है आपने लेस मेकअप करना है और प्रॉपर जैसे काफी चैनल्स पे आप देखें आपके जब मेकअप भी करते हैं ना कि बाल ऐसे रखो, कपड़े अगर ऐसे पहने तो ऐसे कैरी करना, अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज आपने कैरी की है वो उस पे भी लड़ाई होती है, और नाराजगी भी चलती है फिर, और अब मैं तुम्हारा मेकअप नहीं करूंगा, और अल्लाह की तरफ से उसका रिजल्ट भी थोड़ा नॉर्मल सा आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता, बट ये कि वो एक पैशन है मेरा और मेरी सीरियसनेस है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को नजर आए, और स्टाइलिंग जो है वो इस सेंस में बता रहा हूँ कि मेकअप के अलावा स्टाइलिंग भी करते हैं लोग, जो है ना वो ज्यादा फोकस मेकअप पे कर रहे होते हैं, मुझे ये होता है कि पर्सनालिटी आए, एक इमेज आए और आपका जो कैरेक्टर है ना वो डिफाइन हो, ऐसा तो हो नहीं सकता नीलम के बबलू से, ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हां इतनी सीरियस बात पे खत्म हो जाएगा, बबलू की आशा सना आई थी हमारी गेस्ट, तो आशा सना को आप क्या टिप देना चाहेंगे मेकअप की, उन्होंने क्या टिप दिया आपको आप प्लीज जरा बताए थोड़ा सा, उनका नाक बकौल आपके बकौल वाला नाक है, आशा से बहुत ड्राइंग रूम बातें की आप यकीन मानिए, तो आप आशा को क्या टिप्स देना चाहेंगे आयशा बता दे बबलू। अच्छा नहीं आयशा बहुत अच्छी होस्ट है, नहीं नहीं आयशा बबलू बहुत अच्छी करती है, लेकिन थोड़ी सी वो मुझे लगता है इमोशनल है, इमोशनल है हेयर स्टाइलिंग में और मेकअप में, और अक्सर जो है ना वो मुझे अब भी इस एज में भी सुनना पड़ता है इस टाइम पे भी कि सेक्शन करो बालों का, इधर से उठाओ इधर से करो, तो आयशा क्यों ना मुझे लगता है कि थोड़ा सीरियसनेस जो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की है वो कम कर दे ताकि और मजीद वीडियोस उसकी ना बने, और वैसे अदरवाइज शी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। चले नीलम इसी मजेदार बात से एक आपको मिल गया जान जी, मुझे थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा और भी जवाब निकलवाऊंगा। हाँ साइम यहाँ पे प्रॉपर खातून का कैरेक्टर करने में कोई पीछे नहीं है, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कान भी बन रखू मुंह भी बन रखू, मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ, हाँ मैं नमक मिर्च डालना वही तो ना, तो बस फिर जब शहर मुख्तलिफ हो तो अदाएं भी मुख्तलिफ हो जाती है। वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी गेस्ट है, और यकीन जाने कि जो आपके कपड़ों पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं जो लॉन के कपड़ों पे 8-10 हज़ार रुपए इनका बड़ा हाथ है उसके अंदर, क्योंकि बड़े खूबसूरत पोजेस बना के बिलबोर्ड्स के ऊपर आप आजकल इन्हें देख रहे हैं, और यकीन जाने शी इज न्यू बट आई टेल यू ये बहुत आगे तक जाएंगी, शी इज सो ब्यूटीफुल, लेट्स वेलकम मॉडल है ये नाम इनका हिना है ना, ईद मुबारक आ जाइए। ईद मुबारक हिना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज आइए तशरीफ रखिए, और बड़ी ही खूबसूरत साड़ी पहनी आज वो साड़ी क्यों शीन ने मैसेज कर दिया होगा, मैं तो नहीं पहन के आई, तुम पहन के आ जाओ ब्लैक साड़ी, हां क्या ये आपको चेंज हो गया है? था नहीं बिल्कुल भी नहीं मैसेज। कैसी लग रही शीन ये साड़ी में आपको, सच से बताएं जरा, अच्छी लग रही है? अच्छा ये कैसे बोल रही हैं आप? हिना मॉडलिंग कर रही है, बड़ी कोई आपको कंट्रोवर्सीज का या पॉलिटिक्स का शिकार आप भी बन रही हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर सब बनते हैं, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और जितने लोग भी सेवन न्यूज देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सीखो पहले अच्छी बात करो, बहुत प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली नूर जी नीलम आप सब, शुक्रिया बहुत बहुत, वेलकम टू द इंडस्ट्री, स्वीट पर्सन। मैं कहूंगी कि मैंने कुछ बहुत सारी खवातीन को देखा, मॉडल्स को देखा है आते हुए, तो वो इनके साथ ही बल्कि इनके बैच में, बिकॉज़ अभी शी इज न्यू, थोड़ा सा ही हुआ काम करना शुरू,
तो इनके साथ की जो लड़कियां थे उनको फौरन करते ही दिमाग खराब हो गया, बट शी इज वेरी हम्बल, फौरन ही दिमाग खराब हो गया ना, तो बट शी इज वेरी हम्बल एंड आई थिंक वो जैसे आपने कहा कि ये बाकी बहुत आगे जाएगी। आई लव यू टू नूर जी, अच्छा खुद बहुत अच्छी है इसलिए उनको हर कोई अच्छा लगता है। हां बिल्कुल ऑफ कोर्स। नूर आपने ड्रेस बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, जरा आप प्लीज इसकी। जी एहसन हुसैन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, उनके कपड़े इस दफा पूरी ईद पे मैंने मोस्टली हर शोज में आप मुझे देखेंगे उनके कपड़े पहनते हुए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। फिर आपको पता ना मैं बड़ी लॉयल हूं, बहुत लॉयल हूं डिजाइनर या एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरे बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे को तंग करे तो मैं उसको छोड़ती हूं, वरना मैं छोड़ती नहीं हूं। स्वीट स्वीट बातें होगी, मुझे बताओ साइम अभी हम कुछ खेलेंगे भी या सिर्फ बातें करते हैं? देखिए बहुत मजे की गेम जो है हमारे पास एक तैयार है और नीलम आप उस गेम को रासवाश करेंगी, बताएंगी कि डिस्क्राइब करेंगी या मैं बताऊंगी? रासवाश करने बैठा आज टाइम बड़े किलर मूड में है, मैं ये गेस्ट है कि आज बबलू को हमें देखते हैं ना उसको रासवाश करने आ रहा है, तो क्यों ना ये अच्छा गेम कुछ ऐसी है नूर कि ये जो प्रॉम्प्ट्स आपके सामने पड़े हुए हैं आपको शुक्रिया ये वाली ईदी दूंगा ये चलो वापस कर दो ये पूरा घूमती रहेगी। अच्छा जी तो गेम की तरफ चलते हैं और गेम जो है वो बड़ी मजेदार है नीलम, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे सारे प्रॉप्स पड़े हैं और इसमें बहुत सारी चीजें, ये ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई एक आत्मा थी जो छोड़ गई है, यू नो इसमें बड़ी मजे मजे की चीजें हम अपने दूसरे गेस्ट के साथ भी कल करेंगे, इनफैक्ट कर भी चुके हैं बहुत सारे गेस्ट के साथ, और बड़े मजे की एक्टिविटी। आपने इसमें अपना कोई भी प्रॉप इस्तेमाल करना है और उसके साथ थोड़ी बहुत मूव्स करनी है, डांस एंड ऑल, सो इट्स गोना बी अ फन। यू कैन टेक ग्लासेस, विग्स भी हैं, मतलब आपने गाने के हिसाब से इस प्रॉप को इस्तेमाल करना और मिठाई का क्या चक्कर है? मिठाई भी खा सकते हैं आप बीच में, आपका तो आपके मिठाई का एक्ट कैसे करेंगे? मिठाई मिठाई बाद आप कर सकते हैं, वो ये कर रहे हैं ना पहले कर रहे हैं उसको देख के, ये आपके आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप मिठाई एक भी कर रहे हो सवाल भी कर रहे हैं। अच्छा ये असली है, बस आपने भी यही करना है आखिर।